हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो आज अपथ्रस्ट और विलेजर ई-स्पोर्ट्स का सेमीफाइनल का आज डे टू था। बाकी जो सेमीफाइनल है वो 8 जुलाई तक सेमीफाइनल होगा, इसके बाद ग्रैंड फाइनल आपको देखने को मिलने वाला है। सो आज सेमीफाइनल का डे टू था जो कि ख़त्म हो गया है। सो विलेजर ई-स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में टीम सोल की रैंकिंग अभी #2 चल रही है, और जो अपथ्रस्ट है उसमें टीम सोल की रैंकिंग अभी #3 चल रही है। बाकी कल टीम सोल अपथ्रस्ट में 17 या 16 समथिंग पे थी, और आज सीधा थर्ड पे आ गई है अपथ्रस्ट पे। बाकी जो विलेजर है उस पर टीम सोल अभी सेकंड पे चल रही है, और जो फर्स्ट है वो टीम 8-बिट है। सो ये था पॉइंट टेबल। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल की आज के कुछ अच्छे फाइट देखने को मिलने वाले हैं विलेजर और अपथ्रस्ट के ई स्पोर्ट्स का। बाकी आज सोल ने एक चिकन डिनर भी निकाला था, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। सो वीडियो एंड तक देखना। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड भी अपने रोटेशन पे हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट ब्लाइंड की बात करें हाइट से जरूर से वो फाइट लेने वाले पोआर सोल के गॉब्लिन सयम को वहां पे मुश्किल में डालेंगे। टीम सोल फाइट करते हुए गॉब्लिन वहां पे जो टाउन है उसके बाद कवर फायर दिया जा रहा है, बट वेकल से कुचलना तो आदत सी हो चुकी है। वहां पे गॉब्लिन को मैच से बाहर किया जाएगा ब्लाइंड के खिलाड़ी की तरफ से, और काफी जल्दी वो जो कवर चाह रहे वो यहाँ पे शायद ही उन्हें मिल पाए, लेकिन सोल के यहाँ पे न्यू ट्राई कर रहे हैं कि कुछ खासा मेहम वाला के ओस लाना चाहती है। अभी कंफर्म हो चुके हैं रिवाइवल वाज नॉट पॉसिबल, और ऐसी स्थिति में कभी कभार रिवाइवल को आपको प्रायोरिटी से हटाना पड़ता है और इंगेज करना पड़ता है। दैट इज व्हाट द एंटायर टीम ऑफ नोमेन डिड। रेक्स गेल एंड साविडा तीन खिलाड़ी है। दूर पे हमें रेवलरी का स्पॉट नजर आता है, हमारे जी पार्ट पे कुछ शॉट लिए गए हैं लो एचपी पे, बट दे फाउंड अ गुड स्पॉट, दे फाउंड अ गुड कवर, सो राइट नाउ दे आर सेफ एंड साउंड। हेक्टर इसी बीच जी पार्ट को कंफर्म करते हुए द रिवाइवल वाज नॉट पॉसिबल, और टीम सोल जवाब में फ्रैग्स निकालती जाने की जरूरत। गिल बहुत बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हैं, आपके पास जरूर से तीन फर्स्ट एड है, बट ज्यादा देर तक वो आपका कुछ खास मदद नहीं करने वाला है। बाकी सारे प्लेयर सर्कल की तरफ जा चुके हैं। टीम सोल चार फिनिश के साथ सर्कल के अंदर है। ये मैच हो सकता है जहां पे ये भी अपने लिए कुछ चिकन डिनर की पारी निकाले, क्योंकि नॉर्दर्न साइड का पूरा एक्सिस है और सदर्न साइड से मल्टीपल टीमें आ रही है, तो वो एक दूसरे में फाइट तो करेंगे ही। इनसेन टीम सोल भी वहां पे चाहेंगे कुछ अच्छे फिनिश निकालने के, और वो निकाल भी रहे हैं। काफी अच्छी पोजीशन में टीम सोल नजर आती हुई, एजेस फाइनली एजेस पे आ चुके हैं। दो नॉक आते हुए गोथरिन के ऊपर बैक टू, यही तो होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्शन में आते हैं तो कुछ तो रिएक्शन भी होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज लॉ ऑफ फिजिक्स। बट यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ बीजीएमआई ये है कि जब आप बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं, जब आपके पास बेस्ट पोजिशन होती है, तो दैट मीन्स यू बिकम कि पहले जो दो टीमें फाइट करेगी तीसरी टीम वहां पे फायदा उठा सकती है। इट मींस कि अगर सोल वर्सेस महम होता है तो मेडल आके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बट मेडल की बात करें अब वो रुके हुए हैं, बिल्कुल हार्ड कवर के पीछे वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर बैठे, आगे बढ़ने के दौरान गिर गए साहब, और उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। हेक्टर के नजर डालेंगे, चार टीम नजर आ रही है वीएलटी की तरफ। गॉब्लिन विद ग्रेनेड बढ़ तो रहे हैं, कवर के पीछे ग्रेनेड अगर कनेक्ट होता है तो एक नहीं दो नहीं तीन फ्रैग आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रेनेड थोड़ा सा और पीछे जाता है, सेकंड टाइम पीछे से निंजा जॉर्ड एलिमिनेट होते हुए गॉड्स का स्पॉट एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन गॉब्लिन बढ़ रहे हैं और गॉब्लिन ने पंक को स्पॉट किया, ही टेक्स हिम डाउन, बट दिस वन मोर गाय। पंक को स्प्रे करके फिनिश करने में समय नहीं व्यतीत कीजिए गॉब्लिन, एंबिशियस यहाँ पे नॉक फिनिश नहीं करना। बीच में फंस गए दोनों टीमों के, और यहां से गेम नॉकआउट है। कंफर्मेशन तो बड़े प्यार से, बट पहले फाइट एनडीडी के साथ ही होगी, और नियो स्प्रेइंग ऑन गमरा बॉय 2। व्हाट इज दिस गाय डूइंग, नियो का एक अलग स्तर दिख रहा है, एक अलग लेवल दिख रहा है, और नियो को अब स्प्रे पड़ेगी। पीछे खिलाड़ी बैठा है नियो बन का भी, बट उसके ऊपर कनेक्शन एनडीडी टूट गया, डायरेक्टली टीम सोल को एक कवर देते हुए, और यहां से टीम सोल फायदा उठा सकती है। एचपी कम है, बट इस बार मेडल के पैराडॉक्स ऊपर आएंगे। मेडल ऑफ प्लेइंग इट बिग, प्लेइंग इट डर्टी, पीछे से एक अच्छा कनेक्शन देके चल गए, सीक्रेट का एक अच्छा नेट
का या रिवाइवल के बाद रीसेट का मौका मिलेगा, शायद ना भी मिले, बट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी टीम सोल की एक बैटल हमारे स्क्रीन पर, जिसमें नियो ने अपने एकेएम से स्प्रे गॉड को डाउन कराया। अलादीन जो कि टेबल में एक अच्छे स्पॉट पर स्पॉट करेंगे अक्षत को, और उनकी एचपी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। फाउंस ऑन करेंगे, चढ़ के वहां पे नॉक निकालना चाहेंगे। फर्स्ट फ्रैग ऑफ द मैच कमिंग फ्रॉम दलजीत एंड फ्रॉम टीम एनिग्मा फॉरएवर। वैक्सी फिलहाल के लिए एक अच्छे हार्ड कवर पे मौजूद है, कुछ शॉट्स लेना चाहते हैं एवरेस्ट एरिया के अराउंड पर। टीम सोल जो कि एक अर्ली बैटल में इन्वॉल्व है, यहाँ पर गाड़ियों का अच्छा यूज किया जाएगा, और व्हीकल रनओवर के चलते स्प्रे गॉड को जो रिवाइवल मिलना था वो शायद नहीं मिल पाएगा, और पहला फिनिश पॉइंट आता हुआ टीम सोल के नाम। बट वहां पर हेक्टर को ऑफ गार्ड पिक कर लिया गया है। आजकल ये चीज बहुत ट्रेंडिंग में है, एज अ व्यूअर भी आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेयर्स वो अपने वेपन से कम गाड़ियों से ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं। और निकाला यहाँ पर पहला, निकाला यहाँ पर दूसरा, क्या तीसरा भी निकाला जाएगा यहाँ पर? नॉट ओजी इज प्लेइंग एक्चुअल ओजी गेम प्ले, जो पुश करेंगे और डाउन करेंगे। दो फिनिशेस नॉट ओजी के पास, टीम सोल को मिलेंगे चार। बट इस फाइट में अपने यार हेक्टर को गवाया जाएगा। एनटीटी के प्लेयर्स के प्लेयर्स पीछे से आके ऑफ गार्ड एक प्लेयर को पिक करेंगे टीम सोल के, जिनका आइडिया शायद नहीं था। सामने शॉट्स निकाले जा रहे थे, बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीछे से कोई आएगा। बट जब भी आप हार्ड शिफ्ट के बैक क्लियरिंग एंगल पर हो, बैक से एक टीम जरूर आती है हार्ड शिफ्ट चेस करती हुई। और फिलहाल यहां पर WSB की स्क्वाड जानते हुए कि टीम सोल का एक प्लेयर कम है, वो एलिमिनेट हो चुका है, एक ओपनिंग के बाद डायरेक्ट पुश करना एक बहुत ही अच्छा कॉल रहेगा। एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसी जाती है, बट अक्षत के उस स्ट्रेट ग्रेनेड ने डियोन को पर नॉक कर दिया है। इक्वेशन कहीं ना कहीं खराब होती भी, बिकॉज़ अक्षत यहां पर 1v3 ऑलमोस्ट कर जा ही चुके थे। एचपी काफी कम है, चार फिनिशेस आ चुके हैं। अगर नियो भी यहां पर इस फाइट में अपने इंक्लूजन अच्छे से डाल सके तो शायद WSB को एलिमिनेट करना उतना भी मुश्किल ना हो। बट स्मार्ट वर्क, आप देखिए तीन तीन प्लेयर्स को WSB के डाउन कर दिया, दो प्लेयर्स ने पूरी सिचुएशन संभाल दी। दिस इज व्हाट यू कॉल प्रॉपर लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन इट कम्स टू असॉल्टिंग। ठीक है, आपने इस फाइट में अपना एक प्लेयर गवा दिया, बट ये के आसपास घेर के पकाना चाहेंगे। DBS के चलते यहाँ पर पहला फटका दिया जा चुका है, ट्रेड मिला है और फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। दिस इज समथिंग डेली डोज फॉर गुजरात टाइगर्स। ये हम रेगुलर होता हुआ देख रहे हैं कि टीम सोल के ड्रॉप के आसपास जो भी सिंगल प्लेयर स्प्लिट में कूदता है, वहाँ टीम सोल अपना every single team that is here, everybody wants to get their hands at the winner chicken dinner, but not everybody would get the Liberty Medal Esports के paradox। चलते आ रहे थे पट्टियां लगाते हुए, लेकिन नियो को ये मंजूर नहीं था। नियो ने तुरंत स्पॉट करके डाउन कर दिया है। पैराडॉक्स का रिवाइवल नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल के बाहर है, ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, टॉप डॉग सर्कल के अंदर नजर आते हुए। चलिए स्लोली स्टेप बाय स्टेप एक एक प्लेयर को टेक डाउन कर रहे हैं। सोल नॉट ओजी को यहाँ पे नुमेन की तरफ से गिल ने किया है डाउन। रिवाइवल होगा या नहीं? जी लगता तो है हो जाएगा, क्योंकि नुमेन को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड देयर वी गो हेक्टर, one of the best support players out there, is gonna go give support to Omega if I'm not wrong। लेकिन टीम सोल into the final three, मेडल ई स्पोर्ट्स के टॉप डॉग नजर आते हुए एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमें तीन खिलाड़ी मौजूद नजर आते हुए। और लेट्स सी जेनेसिस से किस तरीके से सामना होगा। टॉप डॉग इंतजार कर रहे हैं, टॉप थ्री में आ चुके हैं, लेकिन इसी भी टीम सोल प्लेयर थ्री को टेक डाउन करते हुए टूवर्ड्स जेनेसिस। प्लेयर थ्री डाउन और फिनिश भी हो जाएंगे। सामने मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ दिया गया था, बाकी दो खिलाड़ी कवर के अंदर हैं। दे आर इनटू द इनसाइड द कंपाउंड्स, लेकिन अभी अंदर जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीम सोल बहुत गजब खेल रही है। हालांकि फ्रैक्स कम है, लेकिन अभी चिकन डिनर के चांसेस सबसे ज्यादा टीम सोल के ही नजर आ रहे हैं। अभी देखिए बचे हुए तीन प्लेयर्स में से अगर तीनों फिनिशेस टीम सोल निकाल ले तो सात फिनिशेस का चिकन डिनर मैं सस्ता नहीं बोलता। मेरे लिए सस्ता 15 से तो वो जो 17 फिनिशेस आ सकते थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्या टॉप डॉग को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जोन के अंदर आने से पहले, या फिर टॉप डॉग इस प्लेयर को डाउन करके अपने लिए सेकंड स्पॉट सिक्योर कर पाएंगे, ये एक बढ़िया चीज। और 1v2 करके जाएंगे टॉप डॉग, 1v4 करना इस डाउन दरेज एरिया से वैसे तो इतना आसान नहीं है टीम सोल के लिए। चिकन काउट ने बोला भाई क्या कर दिया आपने, मतलब लाइक जहां पर हम बचे हुए हैं वहां पर नंबर से आप वैसे आप आउटकार्ट पे लेके जा रहे हो। देखिए टीम सोल का जो आकबर हुआ है काफी देर तक, देखिए लूट पाट करने के बाद जब वो पहुंची है तो मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी होती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर कैमरे स्पोर्ट्स आज के दिन की एक वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम आज भी यहाँ पर शुरुआत करती नजर आएगी अपने इस तीसरे मुकाबले में भी, इससे बेटर नहीं हो सकता। लेकिन टीम एक्सपार्क जहां पर सब कुछ सही जा रहा था वहां पर अब
पूरी कठिनाई पे पूरी तरह से रंग पे भंग डाले आ चुकी है यहाँ पर टीम सोल और लग तो रहा यहाँ पर एक सक्सेसफुल होता नजर टीम एक्सपा के अब आदित्य कोशिश जरूर करने वाले ग्रेट फेंका जरूर किया बट क्या उसका फायदा मिलेगा डैमेज अच्छा खासा जरूर देने को मिला लेकिन सारंग अपने एक और खिलाड़ी को यहाँ पर टीम एक्सपा आदित्य देखे तीन खिलाड़ी को डाउन करते नजर आए थे 1v3 ऑलरेडी उनके यहाँ पर हुआ जरूर है अगर टीम के द्वारा बेशक यहाँ पर देखने को मिला बट यहाँ पर टीम सोल की बात की जाए तो एक एक फ्रैग वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि वो जो पोस्टिंग का जो टैग रहता है टाइटल है बेशक जो टीम एक्सपार्क के पास आ गया था उससे वो छीनते हुए नजर आएंगे आदित्य का भी कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा आखिरी खिलाड़ी बचे हुए उनके पीछे जरूर दौड़ा जा रहा जरूर जा रहा है यही स्थिति अभी ब्लाइंड के साथ हुई थी एस पावर के साथ हुई है अब वो टीम एक्सपार्क के साथ हो चुकी है भाई मतलब आप सोचिए जो आप बोलते रहते हैं हम कास्टर हर बार यही बोलते रहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है आपके पास नंबर्स है कब आउट नंबर हो जाएंगे पता नहीं चल पाएगा अगर वही हुआ है यहाँ पर टीम एक्सपा के साथ भी 5 मिनट पहले चारों खिलाड़ी जीवित थे लेकिन एक ग्रेड के बाद जो रीड करा है यहाँ पर ना केवल टीम सोल ने एस पावर भी चले गए बट जहां तक मुझे लगता है एस पावर अगर फायदा उठाते तो जाते आते एटलीस्ट वो फ्रैग लेके चले जाते लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर अभी के लिए देखिए यहाँ पर तो चलो सेमीज का स्टेज है अच्छे पॉइंट्स दोनों टीम्स के पास हैं क्वालिफिकेशन के रिस्क से बाहर हैं तो ये गलती माफ है बट ग्रैंड फाइनल्स में अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है बाकी आपको टीम सोल का आज के कुछ अच्छे फाइट कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना एंड अगर आपने टीम सोल का आज का चिकन डिनर वाला मैच नहीं देखा है अब थ्रस्ट के इसमें निकाला था तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो तो बस यही था आज का वीडियो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ तब तक ले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग।